नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों UPPSC उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 14 खाली पोस्टों पर यह भर्ती आई है, तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन की जो रहेगी वो 15/11/2019 से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो इसकी रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की वो 16/12/2019 रहेगी। इसके बाद जो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दी गई हैं वो 14 रहेंगी खाली पोस्टें, और नेचर ऑफ पोस्ट जो रहेगा वो ग्रुप सी की नॉन गजटेड पोस्ट रहेगी आपकी। इसमें पे स्केल जो रहने वाला है वो 5,200 रुपये से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,400 रुपये रहेगी। इसके बाद इसमें जो आपके लिए और जानकारी जो रहेंगी उनमें अप्लाई करने की जो आपकी फ़ी रहेगी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फीस जो रहेगी वो 100 रुपये, ऑनलाइन जो प्रोसेसिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए फ़ी जो रहेगी वो 25 रुपये और 100 रुपये इसमें एग्ज़ाम फीस रहेगी, तो वो आपकी टोटल 125 रुपये रहेगी। SC कैंडिडेट के लिए 40 रुपये और SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 40 रुपये एग्ज़ाम फ़ी रहेगी और 25 रुपये ऑनलाइन की प्रोसेसिंग फ़ी, तो टोटल 65 रुपये SC ST और एक्स सर्विसमैन से चार्ज किए जाएंगे फ़ी के रूप में। हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए एग्ज़ाम फ़ी में छूट दी गई है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग की फ़ी केवल 25 रुपये चार्ज की जाएगी। इसके बाद इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो दी गई है वो पास द इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और साथ में ओ लेवल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, और इसमें जो एज की लिमिट जो दी गई है वो मिनिमम एज कैंडिडेट की 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल, और एज की गणना 1 जुलाई 2019 के अनुसार की जाएगी। यदि आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने ये प्रोफॉर्मे वगैरह दे रखे हैं, इसमें आप सारी जानकारी ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपने फॉर्म फिल करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी अपनी जानकारी जुटा सकते हैं, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके वहाँ से भी अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।